सोच लीजिए, जहाँ सत्य का साथ है वही धर्म का वास है, और जहाँ धर्म का वास है वही विजय की आस है। ध्रुव जी, कल हम लोग ध्रुव का सुन रहे थे, तो ध्रुव जी बेचारे हमारे जब घर से निकले थे तो क्या सोच के निकले थे कि भगवान का दर्शन करूंगा तो मैं उनसे यह मांगूंगा, हीरे मांगूंगा, जवाहरात मांगूंगा, यह लोक मांगूंगा, यह राज्य मांगूंगा। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। मानव जीवन में रहते हुए जो भक्ति से शक्ति प्राप्त होता है, वह नहीं कोई दूसरे चीज से शक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। आज हम और आप भगवान को एक लोटा जल डालते हैं तो क्या कहते हैं कि हे भगवान, हमारा जो पति है ना, जो चपरासी है, वह सीधा एमएलए बन जाए, उनको जीवन जीने के जीने का
कोई अधिकार नहीं है, जो कीर्तन नहीं करता उनको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। मीका जी ने ठाकुर जी को बड़े प्रेम से अश्रवण ज्ञान कराया, वस्त्र पहनाया, तिलक लगाया, इत्र वगैरह से माला आदि से सुशोभित कर दिया। अब ठाकुर जी को भोग लगाने का समय आया। लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। धारण कर लोगे तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा।
ताली बजाओ ना आरोप करेंगे करो तो जब भगवान चौने लगते हैं कहां से चौने लगते हैं भागवत कथा में एक कथा नहीं हरि 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 अनंत हरि कथा अनंता है कुंती क्या थी छोटी मोटी रोनी थी क्या छोटी मोटी स्त्री थी क्या राबड़ी देवी थी क्या सोनिया गांधी थी क्या नहीं पूरे भारत वर्ष का ये भारत वर्ष अभी तो भारत वर्ष है इतना नहीं बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र फलता भारत को अनेकानेक देश को जन्म दिया है भारत इतना साधारण बात नहीं है वही सनातन परम है बाकी सब हमसे बना है हमारे धर्म से बना है क्या हुआ है धर्म से हमारा ही पहला अधिकार है तो कुंती दोनों हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करती हुई तो भगवान कहते हैं अपने फुआ कुंती से कि रे फुआ मैं तो जा रहा हूं मेरा जाने का इच्छा नहीं करता याद रखना मैं क्या कर रहा हूं तो भगवान कहते हैं कि मेरा जाने का इच्छा नहीं हो रहा है भगवान को कहां से जाने का इच्छा नहीं होता है जहां उनके भक्त रहते हैं भगवान का क्या होता है पता है भक्त का हृदय भगवान का बैठक होता है भक्त क्या होता है भक्त का जो यह हृदय है ना भगवान का बैठक है कैसे आप जब भगवान को सुमिरन करते हो पूजा करते हो जप करते हो उनको एक अगरबत्ती जलाते हो तो आपके हृदय में भगवान का वास हो जाता है और भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं तो भक्त बनो ना भगवान आपके पास है भगवान को पुकारने की देर है भगवान को घुमाने की देर नहीं जिन बच्चों को पढ़ने में मन ना लगे जिन बच्चों को पढ़ने में देर ना यानी कि मन नहीं लगे फेल जाते होते हो किसी तरह पास हो जाते हो तो उनके लिए मैं एक साधारण उपाय बतलाता हूं पहले तो मंत्र बतला देता हूं मैं हय ग्रीवाय नमः मंत्र याद रखना ओम हय ग्रीवाय नमः इस मंत्र वह फर्स्ट डिवीजन पास करेगा क्या करेगा फर्स्ट डिवीजन पास करेगा जैसे ध्रुव ने भगवान को पाया था उसी तरह साक्षात सरस्वती का यह मंत्र है दूसरा उपाय आपके घर के अगल बगल में आप देखते हैं जो मॉर्निंग से ज्यादा काम करेगा मॉर्निंग अगर स्टोन पहनने जाओगे तो उसका आपको 10,000 रुपया अमित लगेगा 5,000 सोने का अंगूठी के लिए लगेगा फिर फरकर के ऊपर बतला देता हूं उजला आग का जल उजला आग का वृक्ष देते हैं आपको तो उस वृक्ष को शनिवार को जाइए एक सुपारी और सिक्का लेकर लेकिन याद रहे कोई आपको देखे नहीं देखेगा तो कौन नहीं होगा जाओ उस वृक्ष के पास दोनों हाथ जोड़ के वह उनके वृक्ष के नीचे अर्थात जड़ के पास रख दो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहो कि मेरा बेटा या मैं पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर है प्रभु इसलिए मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि कल आपके जड़ को मैं उखाड़ने आऊंगा और मेरा बेटा या मेरा बेटी या मेरी विद्या स्थान को ठीक कर देना रविवार को सूर्योदय के पहले वहां से उखाड़ के लेके आओ और उसको अपने पूजा घर में बैठो दूध से धो दो जल से धो दो
एक लाल फूल चंदन में लगा के चढ़ा दो, उस जल को अपने हाथ में ले लो, सूर्य भगवान को प्रणाम कर लो, लाल वस्त्र में लपेट कर लाल धागों में बांध कर अपने गले में धारण करो। अगर पुरुष है तो दाहिने हाथ में, अगर कन्या है तो बाएं हाथ में धारण करो। ऐसा पढ़ने में तेज बन जाओगे कि तुम्हारा कोई जोर नहीं पा पाएगा। कुंती, कुंती को कहते हैं रेप हुआ कुछ मामलों। प्रभु जब जीवन में कुछ नहीं था, सुनना, जब जीवन में कुछ नहीं था तो प्रभु आप थे, और जब हमको सब चीज हो गया तो आप कहते हैं कि कुछ मांग लो। मैं क्या मांगू, अब तो आप ही जीवन से जा रहे हो मेरा। और सुन लो, भगवान को बुलाओ, भगवान से विमुख मत हुओ और ना भगवान को कहीं जाने दो। कुंती ने क्या मांगा भगवान से, पर पता है, हे प्रभु जितना इस संसार का दुख है वह मुझे दे दो। कोई मांगोगे हरि सभा में, किसी का हिम्मत होगा कि भगवान का पूजा के लिए बैठे और भगवान से दोनों हाथ जोड़ के मांगोगे कि भगवान जितना दुख है वह मुझे दे दो, कोई नहीं मांगोगे। जोर से बोलना पड़ेगा एक बार बात दे, कोई नहीं मांगोगे। सब सुख खोजते हैं, परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, मेरो तो धन राधे राधे राधे। ओरिजिनल धन है क्या, राधे का नाम, सीता का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, इसी भगवान का नाम कोई संत पागल होते हैं क्या ना? तो कुंती ने क्या मांग लिया, दुख। भगवान कृष्ण के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, वैसे ही वहां मीरा मीरा पूजा कर रही है, दोनों हाथ जोड़ के जल्दी से चंद कर जाओ और सही में एक दिन में ही तो बुखार छूट नहीं जाता है। दूसरे दिन भी बाबा ने कहा कि पूजा जो है मीरा तूने गोपाल जी का बढ़िया से कर दिया। हाँ बाबा, बहुत बढ़िया से पूजा किया और ठाकुर जी ने सारे दूध बहुत जल्द, थोड़ा सा देर लगाया उन्होंने लेकिन चट कर लिए। तो मीरा बनो ना, कहते हैं ना सबरी के पैर खाए थे वो, सबरी के पैर सुदामा के तंदुल, सबरी के पैर सुदामा के तंदुल, रुची रुची भोग लगावा। तो दूसरे दिन मीरा फिर गई पूजा करने गोपाल जी का, और जब दूसरे दिन गोपाल जी का पूजा करने गई, उस दिन भी मीरा जी को कहीं जाना था, लेकिन हुआ क्या था उस दिन, बाबा ने कहा कि बढ़िया से भोग लगा दिया। हाँ बाबा, गलत कभी, अरे ये तुम क्या कह रही हो कि ठाकुर जी ने दूध पी लिया, मिश्री के साथ दूध पी लिया, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो भगवान जी का पूजा अर्चना करते करते वृद्ध हो गया, लेकिन कभी वो ग्रहण नहीं किए थे, ये तुम क्या बोल रही हो। हाँ बाबा, आपको विश्वास नहीं है,
आने से, क्योंकि उनको बुखार था, स्नान नहीं किए थे, वो भीतर भी घुसे छुप छुप के देख रहे थे। निरागे पूजा करने बस स्नान ध्यान कराए ठाकुर जी को, ठाकुर जी को जब स्नान ध्यान कराए भोग का समय आ गया। दोनों हाथ जोड़ के कि देखना प्रभु आज मेरे इज्जत का सवाल है, बाबा जो है उनको विश्वास नहीं हुआ कि भोग आपने चट कर लिया, लेकिन आज लेट मत लगाना। अब ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी भी असमंजस में थे, चाले एक दिन तो किसी तरह चट कर लिया, दूसरा दिन भी ये जीव कर रही है। और मीरा दोनों हाथ जोड़ के प्रभु अगर दूध गर्म है कोई बात नहीं, माफ कर दो हमको, अगर उसमें मिश्री कम है या ज्यादा है, मिश्री कम है या ज्यादा है वह भी माफ कर दो, जल्दी से चल चल जाओ। अरे मीरा दोनों हाथ जोड़ के भज मन गोविंद प्यारे को, भज मन गोविंद प्यारे को। मीरा ने अपने हृदय में भगवान को बिठाकर पुकारा, जब पुकारा तो प्रभु तो आएंगे ही ना, कैसे आएंगे। मीरा ने कहा देखो प्रभु बाबा हमारे गेट पर है, दरवाजे पर है, देख रहे हैं वो। और मीरा ने अपने माथे को उनके सामने पत्थर पर पटकने लगती है, और पटकते पटकते रक्त की धारा बहने लगते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और वह दूध ग्रहण करते हैं। बाबा ने देखा, देख लिया वह चीज है, और ये भागवत जो है भक्ति का महासागर है। भागवत क्या है? भक्ति का महासागर है। भागवत एक जीवन ग्रंथ है, भागवत एक अनमोल रत्न है, भागवत जीवन जीने की कला को सिखाता है। भागवत इतना आसान बात नहीं है, और जिसका भागवत में मन नहीं लगा दुनिया में उसका कहीं मन नहीं लगेगा। बूटी हरी के नाम की, बूटी हरी के नाम की सबको पिला के थी, बूटी हरी के नाम की सबको पिला के थी। देखी तमन्ना हरी के